याद करा। अग्निदेव, आप स्वर्ग के देव होकर भी दानवों की सहायता कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयत्नशील है, ऐसा करते हुए कि आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूँ। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा, कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं। आप स्वर्ग के अधिपति हैं, इस शक्ति की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? कर्म को तो हमने समाप्त कर दिया राम, अब तेरी बारी है। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान यह कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव। आपकी धृष्टता का दंड यही है कि आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की, आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंग, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य हैं अग्निदेव, धन्य हैं आप। समझता है कि जो उसने निर्माण किया वो उसकी कृति है, किंतु वे सब नश्वर होती है। मैं तो सृष्टि के आरंभ से ही अमर कृतियों का कृतिकार हूं। मैं ओंकार हूं। दनु अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्रों को शुक्राचार्य से परामर्श ले तपस्या करने की आज्ञा देता है और यक्षों से सहायता लेकर देवगण को पराजित करने का परामर्श भी देता है। रंभकरंभ शुक्राचार्य के समक्ष अपनी भूल स्वीकार कर उनके आदेश पर यक्षों का आवाहन करते हैं। वन प्रदेश में यक्ष देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए उनकी सहायता का आश्वासन देते हैं। यक्षराज संवरण रंभकरंभ को असुर राज के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। कैलाश पर भगवान शिव चिंतित पार्वती व उत्सुक नारद को दानवों की चिंता न करने की प्रेरणा देते हैं। उधर रंभकरंभ को गुरु शुक्राचार्य शक्ति संचय करने की प्रेरणा देते हैं।
तत्पश्चात यक्षराज संवरण से वाद विवाद होने पर रुष्ट हो वहां से चले जाते हैं और नारद के परामर्श पर रंभ कर्म तपस्या के लिए मान जाते हैं। उधर स्वर्ग में देवगण की विलासता पर नारद व गुरु बृहस्पति द्वारा चिंता किए जाने को देव गुरु का षड्यंत्र समझ इंद्र देव गुरु को अपमानजनक बातें कहता है, परंतु देव गुरु से रंभ कर्म द्वारा की जा रही तपस्या का ज्ञान होने पर वो दोनों को समाप्त करने का निश्चय करता है। रंभ कर्म तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या तुम्हारा पिता जन्म गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। की सहायता कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयत्नशील है, ऐसा करते हुए कि आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूं। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा, कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं? आप स्वर्ग के अधिपति हैं, इस सत्य की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? सारा जग जानता है कि आप स्वर्गाधिपति हैं, और जिस सत्य को सारा जग जानता है उसे मैं भी जानता हूँ। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, पर इस सत्य को मानते नहीं कि हम यहाँ देव शत्रु रंभ कर्म का अंत करने आए हैं। इन दोनों की उपस्थिति स्वर्ग और देवगण के हित में नहीं है। क्या दानवों के जीवित रहने से देवता प्रसन्न रह सकते हैं? आप भी तो देव हैं, दानव आपके भी शत्रु हैं, किसी भी दिन आप पर भी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? हमें अपनी रक्षा से अधिक अपने दायित्व, कर्तव्य और धर्म की चिंता है। शरण में आए प्राणी की सहायता करना हमारा धर्म है। निसंदेह
आप हमारे अधिपति हैं, हमारे अधिकारी हैं, किंतु धर्म और दायित्व का स्थान आपसे भी ऊपर है। अग्निदेव, आप सत्य को स्वीकार ना करके क्रोध कर रहे हैं, और जब तक आप स्वार्थवश क्रोध करते रहेंगे तब तक सत्य आपके समीप आएगा ही नहीं। इस समय हमारे सम्मुख सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें वो कार्य करना है जिससे दानवों का वंश सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। करंब को तो हमने समाप्त कर दिया राम, अब तेरी बारी है। बच। इस दुष्कर्म का परिणाम जानते हो अग्निदेव? मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वही किया जो विधि के विधान के अनुसार। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान यह कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव। आपकी धृष्टता का दंड यही है कि आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की, आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंग, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य हैं अग्निदेव, धन्य हैं आप। देवीशची, तुम्हारे इस क्या हुआ प्रश्न का उत्तर देते देते हम थक गए हैं। कभी स्वयं भी अनुमान लगा लिया करो कि क्या हुआ। कैसे अनुमान लगाएं? आप एकाएक अदृश्य हो गए, कहां गए, क्या किया, हमें कैसे ज्ञात होगा? मैं रंभ करंभ का वध करने गया था। दानवों का वध करने गए थे, ये तो प्रसन्नता का विषय है। फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं है? अब आप दानवों का वध करके आए हैं तो मेरी ओर से आपको बधाई। देवी शची, मैंने केवल इतना कहा है कि मैं वध करने गया था। मैं वध कर आया हूँ ये तो मैंने नहीं कहा। ओह, तो आप वहाँ वध करने के लिए केवल गए थे, किया नहीं? क्यों नहीं किया? क्या आपने उसे क्षमा कर दिया या आपके मन में उसके लिए करुणा जागृत हो गई? मुझसे कोई भूल हो गई है स्वामी? इन दिनों तुम प्रश्नों की बौछार कुछ अधिक ही करने लगी है। इसे अपनी भूल ही समझो देवी शची। क्यों समझो अपनी भूल? पत्नी द्वारा पति से प्रश्न करने को आप उसकी चिंता, कर्तव्य या धर्म क्यों नहीं समझ लेते? हे विधाता, हे विधाता, तुम भी अग्निदेव की तरह से कर्तव्य व धर्म का राग अलापने लगी। अग्निदेव कहाँ है देवराज? बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए और कभी होंगे भी नहीं वरुण देव। क्यों? देवी शची, रोको इस क्यों, क्या और कैसे को अपनी वाणी पर आने से। आप अग्निदेव के विषय में कुछ कह रहे थे देवराज। हाँ, अग्निदेव को हमने सदा सदा के लिए स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्या अपराध किया है अग्निदेव ने? घोर एवं भयंकर अपराध किया है, विद्रोह किया है हमसे, देवताओं का पक्ष त्याग कर दानवों का पक्ष लिया है। दानवों के उत्थान के लिए और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति हेतु धनुपुत्र रंभ करंभ घोर तप कर रहे थे।
स्वर्ग और देवगण की रक्षा के निमित्त हम उनका वध करने गए। करंभ का वध करने के पश्चात जब पंचाग्नि में बैठे हम रंभ का वध करने लगे तो अग्नि देव ने अपनी ज्वाला से उसका रक्षा कवच बना दिया और हमें उसका वध नहीं करने दिया। हमारे समझाने पर वो हमें धर्म व कर्तव्य का ज्ञान देने लगे। हमने भी उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर उन्हें उनकी उदंडता का दंड दे दिया है। अर्थात अग्नि देव ने आपके आदेश से अपने कर्तव्य और धर्म को अधिक महत्व दिया है। यही तो भूल की उन्होंने। यदि समय आने पर मैं अथवा पवन देव अपने दायित्व अथवा विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपके आदेश का पालन नहीं कर सके तो क्या हमें भी स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? वरुण देव, ऐसा अवसर आने की संभावना है क्या? अग्निदेव को स्वर्ग से निष्कासित करने की संभावना भी तो नहीं थी, किंतु ऐसा हुआ है। भय और स्वार्थ के वशीभूत होकर अनुचित आदेश का पालन करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन करते हुए निष्कासित होना अधिक श्रेयकर है देवराज, और अग्निदेव ने श्रेयकर कार्य ही किया है। समय आने पर हम भी अग्निदेव का ही अनुसरण करेंगे। आप इस शिव भक्त से रुष्ट हैं? पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे उपेक्षा की दृष्टि से ना देखो माता, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दो। दैत्य गुरु, आप दैत्यों के गुरु हैं, इस नाते दैत्यों के उत्कर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है, अपराध नहीं। किंतु आपकी प्रेरणा से उत्कर्ष को प्राप्त यही दैत्य यदि जगत में आतंक और अशांति का कारण बनते हैं तो यह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। सभी प्राणियों का जन्म विधाता की इच्छा और प्रेरणा से हुआ है, अतः सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। किसी भी प्राणी को प्रकृति ये अधिकार नहीं देती कि वह अन्य किसी प्राणी के प्राण हरे अथवा उस पर अत्याचार करे। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण जगत जानता है, आप भी जानते हैं कि विधाता अत्याचारी को दंड देने से कभी चूकते नहीं। सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक ही नहीं, प्रलय पर्यंत का अटूट सत्य यही है कि अत्याचारी जिस पर अत्याचार करता है उस पीड़ित से अधिक पीड़ा स्वयं अत्याचारी को भोगनी पड़ती है। यदि इस अटूट सत्य को आप भी समझ जाएं तथा दानवों को भी समझा दें तो विधाता द्वारा दंड स्वरूप दी जाने वाली पीड़ा को भोगने से वे बच सकते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हैं ना दैत्य गुरु? समझ रहा हूँ माता, आपके क्रोध का कारण मैं समझ रहा हूँ। इस जगत में सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं कि हम दूसरे प्राणियों को कष्ट और दुख पहुंचाकर अपना मार्ग बनाएं। निसंदेह ये दैत्य प्रवृत्ति है, इसीलिए अब मैंने दैत्यों का साथ त्यागने का निश्चय कर लिया है। दैत्य गुरु दैत्यों का साथ त्याग रहे हैं? हाँ माता, अब वे मेरी आज्ञा की अवहेलना करने लगे हैं। तो फिर आपका कैलाश आने का उद्देश्य क्या है? माता, मैं जब भी दुविधाग्रस्त होता हूँ तब अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में चला आता हूँ और इनसे आदेश तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता हूँ।